हमारे भारत देश में क्रिकेट सिर्फ एक गेम ही नहीं, एक त्योहार के बराबर है। हमारे देश में यंग बच्चे बचपन से ही सपने देखना शुरू कर देते हैं क्रिकेटर बनने का, और अपने देश की तरफ से खेलते हुए इंटरनेशनल मंचों पर रिप्रेजेंट करके अपने देश का नाम ऊंचा करने का। ऐसे ही एक खिलाड़ी रहे जिन्हें भी ये मौका मिला 11 साल बाद, और जब मिला तब उन्होंने इसे अपने हाथ से नहीं जाने दिया। स्काई के नाम से भी जाने जाने वाले सुप्रसिद्ध खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का जन्म 14 सितंबर 1990 को हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई में पले बड़े, वहां के गली नुक्कों में खेलते खेलते बड़े हुए सूर्य कुमार यादव को बचपन से ही काफी अलग अलग प्रकार की गेम्स खेलना पसंद था, जिसमें से क्रिकेट और बैडमिंटन दो प्रमुख गेम्स थी, लेकिन उनका मन ज्यादातर क्रिकेट में ही लगता था। सूर्य के फादर BRC में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिसके कारण उनका पूरा परिवार गाजीपुर से मुंबई शिफ्ट हो गया, जिसके बाद सूर्य ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के ही एटॉमिक एनर्जी सेंटर स्कूल से पूरी करी है। सूर्य के क्रिकेट को लेकर लगन के कारण सूर्य के फादर ने उनका इनरोलमेंट 10 साल की उम्र में BRC कॉलोनी अनुशक्ति नगर में मौजूद एक क्रिकेट कैंप में करवा दिया, जहां से सूर्य के क्रिकेट में लगाव के कारण धीरे धीरे एक नींव डलनी शुरू हुई, जिसके कुछ समय बाद उन्होंने ज्वाइन करी एल्फ वेंगसरकर एकेडमी, जहां वह अंडर दिलीप वेंगसरकर की गाइडेंस के अंडर प्रैक्टिस करते थे, जिसमें उन्हें और मदद मिली अपनी गेम और इम्प्रोवाइज करने में। सूर्य कुमार यादव ने अपना डोमेस्टिक डेब्यू 11 फरवरी 2010 में करा, विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए मुंबई की डोमेस्टिक टीम की तरफ से अगेंस्ट गुजरात, जहां उन्होंने 37 बॉलों पर 41 रन बनाए और मैच में सेकंड हाई स्कोरर रहे, जिसके बाद वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए दिखे, लेकिन वह सिर्फ 5 रन ही बना पाए और उनकी टीम 7 विकेटों से मैच भी हार गई। लेकिन 2010 के अंत में सूर्य को एक बार फिर मौका मिला, जब सूर्य ने अपना रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करा, जिसमें दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए 73 रन बनाकर एक शानदार पारी खेली उन्होंने। सूर्य के इस कमाल के डेब्यू ने ये बता दिया कि वह कितने जानदार खिलाड़ी हैं। 2011-2012 के रणजी सीजन के दौरान सूर्य ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके ये फिर साबित कर दिया कि वह किस दर्जे के खिलाड़ी हैं। सूर्य ने 754 रन बनाए 9 मैचेस के दौरान खेलते हुए, जिसके दौरान सूर्य ने एक डबल सेंचुरी भी जड़ी। 2012 के IPL ऑक्शन के दौरान मुंबई इंडियंस ने सूर्य को अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन टीम में धाकड़ प्लेयर्स की मौजूदगी के कारण उन्हें प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं मिल पाई, जिसके बाद 2014 के ऑक्शन के दौरान KKR ने उन्हें अपनी तरफ कर लिया, जिसके बाद 2018 के IPL ऑक्शन में वह फिर मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े। सूर्य ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 2018 के IPL सीजन के दौरान 512 रन, 2019 में 424, 2020 में 480 और 2021 के दौरान 317 रन जड़े हैं। सूर्य ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2021 में करा T20 में इंग्लैंड के खिलाफ 14 मार्च को, लेकिन मैच के दौरान तो उन्हें बैट उठाने का मौका नहीं मिला। लेकिन सीरीज की चौथी गेम में 18 मार्च को जब उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली, तब उन्होंने उसे अपने हाथ से नहीं जाने दिया और पहली बॉल पर बल्ला उठाकर एक शानदार आगाज करा। सूर्य आज किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, उन्होंने अपनी ये पहचान खुद अपने दम पर बनाई है। वह आज जहां भी है सिर्फ अपनी मेहनत और क्रिकेट को लेकर अपनी लगन के कारण। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाने को लेकर। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।